संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में एक्टर शर्मिन सहगल को अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर शर्मिन की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई कि सीरीज के नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के कमेंट्स को डिसेबल कर दिया। शर्मिन ने अपनी ट्रोलिंग पर कई बार अपनी बात रखी, लेकिन हाल ही में एक्टर्स ने एक बार फिर से सीरीज में अपने परफॉर्मेंस को लेकर बात की है। शर्मिन सहगल ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि अगर वह कई बार अपने काम को देखती है तो वह खुद के लिए भी काफी आलोचनात्मक हो जाता है। हीरा मंडी में अपने काम को लेकर एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इस सीरीज को सिर्फ एक बार देखा है। शर्मिन सहगल ने कहा, मैंने हीरा मंडी सिर्फ एक बार देखी है क्योंकि मुझे अपना काम ज्यादा देखना पसंद नहीं। मैं केवल उतना ही देखती हूँ जितना जरूरी है। आपको फीडबैक मिलता है और आपको जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि एक अभिनेता के रूप में आपको हमेशा मॉनिटर पर जाकर यह देखने का मौका नहीं मिलता कि आपने क्या किया है। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में आपके अपने काम हीरा मंडी को देखने बहुत अलग है, क्योंकि मैं इसे निश्चित दृष्टिकोण से देखती हूँ। आप खुद के लिए ही आलोचनात्मक हो जाते हैं। जब मैं खुद को हीरा मंडी में ऑन स्क्रीन देखा तो बहुत शर्माने लगी थी, मुझे गुदगुदी होने लगी थी, मेरे गाल लाल हो गए थे। बता दे, हीरा मंडी के नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के बाद से ही शर्मिन सहगल की परफॉर्मेंस चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा इंटरव्यूज के दौरान आदिति राव हैदरी और संजीदा शेख के प्रति उनके रूड बिहेवियर को लेके भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है। शर्मिन सहगल ने हीरा मंडी में आलम जेब का किरदार निभाया है। बता दे, ये संजय लीला भंसाली की भांजी है जिन्होंने सीरीज के जरिए ओटीटी पर अपना डेब्यू किया है। कई लोग को आलमजेब के रूप में शर्मिन सहगल पसंद आई तो वही कुछ लोगों ने इस किरदार के लिए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हीरा मंडी 2 के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर लोग शर्मिन को लेकर बंसाली से गुजारिश करते नजर आ रहे हैं। शर्मिन की ट्रोलिंग पर संजय लीला बंसाली ने कहा था, मैंने उन्हें इसलिए कास्ट नहीं किया क्योंकि वो मेरी भांजी है। उन्होंने ऑडिशन दिया एक बार नहीं कई बार, टेस्ट से वो गुजरी है, न जाने कितने टेस्ट मैंने उनके लिए, मुझे भी गिनती याद नहीं। जब मैंने तय किया था कि मैं शर्मिन को कास्ट करूंगा तो मैंने उनसे कहा था कि आपको टेस्ट देना होगा, आपको आलमजेब के किरदार की सही पकड़ रखनी होगी, क्योंकि ये वो दुनिया है जहाँ आपने आज से पहले कभी कदम नहीं रखा, आपने कभी एक्टिंग नहीं की। ये जितने भी एक्टर्स मैंने कास्ट किए हैं सभी का करियर सालों साल का रहा है, उन्होंने न जाने कितने किरदार निभाए हैं। वो लोग जानते हैं कि आखिर नजाकत क्या होती है, उसे पर्दे पर कैसे उतारा जाता है, लेकिन आप नहीं जानते, आपको ये सीखना होगा, नजाकत, नखरे और सब कुछ।